हेलो फ्रेंड्स, आफरीन का किचन में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर वेज शौरमा। इसे हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में, दिखने में लाजवाब, स्वाद में शानदार शौरमा हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि इसे देखकर हर कोई अपने घर में आसानी से बना सके। तो पूरी सीक्रेट रेसिपी जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोरमा के लिए ब्रेड यानी कि पीटा ब्रेड बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने लिए है एक परात, इसमें डालेंगे 3 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, 1 चम्मच डालेंगे इसमें चीनी, 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच तेल। तो पहले इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। ये अच्छे से मिल चुका है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप दही, 1/2 घंटा। तो इसे को रखते हैं कम से कम 1 घंटा तक रेस्ट पर। तो अब हम पनीर को मैरिनेट करके रखते हैं। तो एक लेंगे बाउल, तो हमने लिया है 300 ग्राम पनीर, इसे हमने लंबे लंबे क्यूब्स में काटा है, तो इसमें डाल देते हैं। इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़े से डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, तो इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसमें डालेंगे 1 चम्मच तंदूरी मसाला, तो ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, वो अच्छे से इन्हें मिक्स करके रख लेंगे। चाहे तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसे रखेंगे। तो पनीर को मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट हमने रखा था, तो ये मैरिनेट हो चुका है, तो इसको थोड़ा पका लेते हैं। तो हम लेंगे कढ़ाई, गैस को ऑन करते हैं, इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच तेल, तो तेल गरम हो चुका है, तो इसमें डालते हैं पनीर। आप चाहे तो मैरिनेशन के वक्त इसमें नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें हिलाना है। तो पनीर हमारा बुन चुका है, तो गैस को करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है, इसे सिर्फ पानी खुश्क होने तक पकाया हमने। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा तेल, गैस को ऑन करेंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं प्याज। तो हमने 2 प्याज लिए थे, लंबी लंबी कट करी है, इन्हें हल्का हिला लेते हैं। इसमें हम डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च,
तो हमने एक गाजर लिए और एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च लिए जिसे लंबा लंबा काटा है। तो गैस को करते हैं कम। तो हमने लिए 400 ग्राम पत्ता गोभी जिसे हमने लंबा लंबा कट किया है, तो इसमें मिला देते हैं। सब्जियां आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना है, सिर्फ 1-2 मिनट हम इसे भूनेंगे और फिर गैस को कर लेंगे बंद। तो गैस को हम वापस तेज कर लेते हैं। तो बस अच्छे से पक चुकी है, इसका जो पानी होता है नीचे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो गैस को करते हैं बंद। अब हम एक थाली लेंगे और इसमें निकाल देंगे सारी सब्जियां ठंडी होने के लिए। तो बस इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो 1 घंटे तक हमने इस आटे को रखा था, अच्छे सेट हो चुका है। तो एक बार इसे मसल लेते हैं और लगा लेते हैं साइड में। तो हम लेंगे सूखी मैदा, इसमें डाल लेते हैं। तो हम इसमें से लोया तोड़ते हैं, जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा लेंगे इसको। तो हमने इतना लिया है, तो इसको गोल कर लेते हैं। तो बस जिस तरह हम रोटी बेलते हैं, पहले रोटी बेलेंगे। तो हम लेंगे एक बेलन और बेलन की हेल्प से बेलेंगे। तो बस हमने रोटी जितनी बनाते उतनी बड़ी से बेल लिया है। तो हम लेंगे एक फोक, तो उसके हेल्प से इसको जगह जगह पे थोड़ा छेद करेंगे जिससे ये रोटी फूले नहीं। तो हम एक तवा लेंगे, गैस को ऑन करेंगे और हल्का गर्म होने देते हैं इसे। तो तवा गर्म हो चुका है, तो रोटी को इस पर डालते हैं। तो इसको हम पलट लेते हैं। तो इसको हमें मीडियम आंच पे ही बनाना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना है। तो इस पर थोड़ा हल्के भूरे स्पॉट आने लग गए हैं, तो हम कपड़ा लेंगे और उसकी हेल्प से इसको हल्के हल्के दबा दबा के सेकेंगे। एक चिमटे से हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ इसे दबा दबा के सेकेंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे हम। तो इसको देख लेते हैं, तो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। तो इसको उतार लेते हैं और इसी तरह हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे। तो हमारी सब्जियां ठंडी हो चुकी है, इसमें डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला। तो इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हो चुका है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो शोरमा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है एक बटर पेपर, तो हम लेंगे एक शोरमा ब्रेड, इस पर रखेंगे। इस पर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। तो ये हमारा घर का केचप है, इसकी रेसिपी पहले से अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस पर हम लगाएंगे मेयोनीज।
तो एक चम्मच मेयोनीज हमने ली है, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे वेजीज, इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने बनाया था, इसमें हम डालेंगे वापस से एक चम्मच टोमेटो केचप, थोड़ा मेयोनीज, इसको पैक करते हैं। तो हल्का से इसको रोल करेंगे, तो हम लेंगे टूथपिक और इसमें लगाएंगे। तो बटर पेपर को इसका कवर करते हैं, तो पीछे नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये अच्छे से हमारा बन चुका है, तो इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है यमी शानदार टेस्टी वेज पनीर शोरमा। ये शोरमा इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि इसे खाने के बाद आप चिकन शोरमा खाना भूल जाएंगे। एकदम स्ट्रीट स्टाइल शोरमा, जिसे देखकर या खाकर कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये आपने अपने घर पर तैयार की है। हमने जो आपको रेशो बताया है, उससे आराम से आपके 8 से 10 शोरमा तैयार हो जाएंगे। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबको पसंद आएंगे। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं टेस्टी रेसिपी के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।